हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट मैथ क्लास 7। ओके, क्लास 7 की मैथ की बुक है। ओपन योर बुक, लेट्स प्रैक्टिस 7.3। ओके, 7.2 हमने कंप्लीट कर लिया है, 7.3 है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, चलिए देखते हैं उसको। आपको करना क्या है, आपको सब में इसमें मल्टीप्लाई ही करना है। ओके, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग जो आपका दिया है, एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में है एंड एक्स प्लस 4 जो है सेकंड ब्रैकेट में है ना। आपको एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 से एक बार करना है, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 4 से। ओके, तो यहाँ पे हमने देखिए इसको लिख लिया है एक्स एक्स प्लस 4 प्लस 3 एक्स प्लस 4। आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें प्लस में है माइनस में है वो चीज़ आप जहाँ का तहाँ वैसे उतार दोगे तो आपको ईजिली ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप ईजिली इसको धीरे धीरे थोड़ा रिलैक्स होकर सॉल्व करोगे, हड़बड़ा के करोगे तो ये आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस है तो इसमें कहीं पे दिक्कत नहीं है, बट माइनस वाले में हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो इसको आप ईजिली वन बाई वन स्टेप से आप इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4x हो गया प्लस 3x, 4 3 12। ओके, यहाँ पे 4x 3x सेम है, xx है, यहाँ पे प्लस कर देंगे हम इसको तो ये 7x हो जाएगा, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका उसी में दिया है x माइनस 4 x प्लस 5। मैंने आपको इजीली बोला था कि आप इसको इजीली सॉल्व करोगे, x x प्लस 5 माइनस 4 x प्लस 5। आपने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 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 हो गया। ओके, मल्टीप्लाई किया तो एंड 5x हो गया। फिर आपने यहाँ पे माइनस लिया, माइनस 4x, प्लस एंड माइनस को आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस आता है, एंड माइनस एंड प्लस को आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी माइनस आता है। ओके, तो 4x एंड 5 4 जा 20। ओके, एक्स स्क्वायर आपको पता है सेम बॉल को आप जोड़ते हो, प्लस करते हो, एंड जो सेम नहीं होता उसको आप माइनस करते हो। तो आपने 5 में से 4 करा तो माइनस किया तो बचा आपके पास 1x। ओके, यहाँ पे सेम बॉल आप लगाओगे किसका, जो बिग होगा, तो यहाँ पे आपने प्लस किया एंड माइनस 20, ये आपका आंसर है। आप रिलैक्स होके इसी तरीके से इसमें का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 जो है सॉल्व करोगे, वो आपका होमवर्क होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी आपको यही दिया है x माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना, सेम कंडीशन है आपका। आप इसमें भी सेम यही काम करोगे, पहले आप इतने का मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इसमें से इसमें का मल्टीप्लाई करोगे। चलिए देखते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आपने उतार लिया, प्लस सॉरी फिर माइनस वाई, फिर आपने ये पूरा उतार लिया। ठीक है, अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर लिए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, बट यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस माइनस माइनस हुआ एक्स वाई स्क्वायर, प्लस माइनस फिर माइनस हुआ एंड वाई क्यूब। ओके, अब आपको इसमें देखना है एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो आपने इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर ये माइनस में ये प्लस में, आपने इसको कैंसिल कर दिया, आपके पास बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाएंगे, 3 मैं आपको बता देती हूँ, है ना, क्योंकि फ्रैक्शन वाला है तो इसको आप देखते हैं। चलिए, 2x आपने पूरा लिया, माइनस 1/2y फिर आपने पूरा लिख लिया, सेम काम आपको ये करना है जो आपने पहले भी किया। उसके बाद आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, आपने इसको भी सेम कर लिया है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, प्लस माइनस को आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस होता है, ये आप ऑलवेज याद रखोगे। ओके, अगर आप ये मेमोराइज नहीं करोगे तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपने 2 1 2 2 2 4 काट लिया। ओके, यहाँ पे आपको क्या मिला, ये सब आपने जो कैंसिल होना था आपने इसको कैंसिल कर लिया इजीली। अब आपके पास देखिए क्या क्या बच रहा है, ये आपके पास बच रहे हैं, आपको एक्स वाई और एक्स वाई वाले को आपको सॉल्व करना है, तो ये आप रफ कार्य करोगे। यहाँ पे माई 1 है तो यहाँ पे आप 8 बनाने के लिए 20 को आप 8 बनाओगे, है ना, तो जो आप इसको रफ कार्य में करोगे उसके बाद आपको ये आंसर मिलेगा।
ठीक है, बाकी आप सेम चीज़ों को ये वैसी का वैसी उतार लोगे। ओके, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सेम है सब, आपको सबको सिंप्लीफाई ही करना है और सेम उसी मेथड में ही आपको सॉल्व करना है। ओके, आपने यहाँ पे भी इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस इस एक्स का मल्टीप्लाई आपने इन दोनों में किया, सॉरी एक्स का मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई में किया, प्लस टू वाई का मल्टीप्लाई आपने इसने किया। ठीक है, आपको अब इजीली मल्टीप्लाई करना आ जाता है, तो टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वेयर। ओके, यहाँ पे आपने प्लस एक्स वाई एंड माइनस एक्स वाई को क्रॉस कर दिया, फिर आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वेयर वाला ये ही बचा है। देखिए यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है, तो थ्री एक्स स्क्वेयर आपने ये सॉल्व कर लिया। उसके बाद यहाँ पे टू एक्स वाई है, यहाँ पे भी टू एक्स वाई है, दोनों प्लस प्लस में है, तो आपने इसको प्लस कर लिया, तो टू टू फोर एक्स वाई हो गया। उसके बाद आपका बचा माइनस टू वाई स्क्वेयर और प्लस वाई स्क्वेयर। सेम चिन्हों को आप क्या करते हो, प्लस करते हो, और जो सेम नहीं होता उसको माइनस करते हो। तो टू में से वन आपने माइनस किया, क्या बचा, वन, तो वन को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वाई स्क्वेयर आपका बचा हुआ है एंड जो बड़ा है उसका सिंबल आपने लगाया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मल्टीप्लाई थ्री एक्स प्लस टू वाई एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई, वेरीफाई द रिजल्ट फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड वाई इज इक्वल टू वन। थ्री एक्स प्लस टू वाई टू एक्स माइनस थ्री वाई। ओके, फिर आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। आपने पूरा मल्टीप्लाई किया और जैसा मैंने पहले आपने 7.2 में आपने सॉल्व किया है LHS और RHS, आप उसको सेम इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने इसको सॉल्व किया हुआ है ना, फिर हमने LHS आपका क्या है ये है और RHS आपका क्या है ये है। ठीक है, तो आपको x की जगह माइनस वन एंड y की जगह टू आपको रखना है और आपको पता करना है कि वो इक्वल है या नहीं है, तो वो इक्वल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है प्रिया बॉट 2x प्लस 5 नोटबुक फ्रॉम अ बुक सेलर, इफ़ द प्राइस ऑफ ईच नोटबुक रेट 2x माइनस 3 देन हाउ मच इज़ द प्राइस ऑफ ऑल नोटबुक। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एंड सेकंड है आपका x इज इक्वल 4 रखना है, देन हाउ मच मनी प्रिया गिव टू द बुक सेलर। ओके, प्राइस ऑफ वन नोटबुक, वन नोटबुक की प्राइस कितनी है 2x माइनस 3, नंबर ऑफ बुक्स बॉट कितने खरीदे हैं उसने 2x प्लस 5, प्राइस ऑफ ऑल नोटबुक पहला आपको निकालना है प्राइस ऑफ ऑल नोटबुक, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे। ओके, मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, 2x में 2x प्लस 5 को, माइनस 3 से 2x प्लस 5 को। आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिला। उसके बाद आपको करना क्या है, सेकेंड है आपका x के जगह पे आपको प्लेस पे 4 रखने हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू आपको 4 रखनी है, तो 4 के रख के बाद आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपने 4 रखा, 4 2 टाइम्स है तो 16 हो गया, यहाँ पे जो है 4 का 4 है 15 हो गया, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। ओके, एंड आपने इसको प्लस माइनस किया और आपको आपने इस दोनों को प्लस करना है और जो आंसर आएगा उसमें 15 को माइनस कर देना है, तो 65 रुपीज़ जो है आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये एक्सरसाइज 7.3 था, ये कंप्लीट हो गया आज हमारा। ओके, इसको आप जितनी जल्दी हो सके कॉपी में करिए, और अभी के लिए थैंक यू।